वेलकम स्टूडेंट्स, कल तक हमने देखा कि सीड्स कैसे डेवलप होते हैं और सीड कोट वगैरह का क्या स्ट्रक्चर है, और आज हम देखेंगे कि सीड जर्मिनेट कैसे करता है। सीड जर्मिनेशन की वैसे तो बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन मोटा मोटी देखें तो द प्रोसेस इन विच एम्ब्रियो अवेक्स रीएक्टिवेट इट्स metabolism and the exit of radical from the seed। ये अगर तीनों process मिला लें तो germination होता है। वैसे अगर जर्मिनेशन का प्रोसेस देखें तो क्या होगा, पहला प्रोसेस क्या है, इनटेक ऑफ वाटर किस प्रोसेस से होता है, वो है इम्बाइबिशन। उसके बाद है रीस्टार्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बहुत सारी चीज हो सकती है, यानी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल। जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है, चाहे वो प्रोटीन के रूप में हो, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो या फैट्स के रूप में है, अगर उनका मेटाबोलाइजेशन होगा, उनका मोबिलाइजेशन होगा, तभी उसके आगे की प्रक्रिया होगी। तो क्या है, एक्सटेंशन ग्रोथ इन इम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होगी, उसमें दो पोर्शन होते हैं, जैसे ये एक्सिस है मान लीजिए, और इसमें यहां कहीं से कॉटलीडन लगा हुआ है, तो इस एक्सिस के दो भाग हो गए। एक भाग वो जो कॉटलीडन से ऊपर है, दूसरा भाग वो जो कॉटलीडन से नीचे है। तो एक्सट्रीम टिप को छोड़ करके बाकी पोर्शन जो है वो ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, एपी। कौन सा, कहां, किसके ऊपर, कॉटलीडन के, तो वो क्या हो जाएगा, एपिकोटाइल। और ये रीजन क्या है, कॉटलीडन के नीचे है, हाइपोकोटाइल। तो इसमें एक्सटेंशन एक्टिविटी होती है, तो जब इसमें एक्सटेंशन ग्रोथ होती है तो या तो ये बड़ा हो जाएगा या ये बड़ा हो जाएगा। तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो यहां पर नीचे और ऊपर दोनों की तरफ ग्रोथ होगी, तो ये भी बाहर, ये जब बड़ा होगा तो ये पोर्शन भी ऊपर हो जाएगा। यहां क्या होगी कि नीचे की तरफ ग्रोथ हो ना हो, लेकिन ऊपर की तरफ ग्रोथ होती है। तो एक जो डिफरेंस आया वो क्या आया कि नंबर वन, अगर एपिकेटाइल में ग्रोथ हो रही है तो कॉटलीडन जहां है वहीं रहेंगे, यानी कॉटलीडन
डोंट लीव देयर प्लेस, यानी कॉटिलीडन जहां है वहीं है, केवल ऊपर एक्सिस बढ़ा है। तो इसमें चूंकि कॉटिलीडन जहां है वहीं है, और अगर ये जमीन के अंदर है तो ये किसके नीचे है, हाइपो मतलब नीचे है, जहां है वहीं पर है निपोर, और किसमें है जमीन में, जियल हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन। और अगर नीचे वाले हिस्से में ग्रोथ होती है तो ये क्या करता है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये कॉटिलीडन को ऊपर ले जाएगा, तो जब ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कॉटिलीडन बिकम्स एपी, एपी माने ऊपर, किसके, जमीन के, सॉइल। तो दो बेसिक टाइप ऑफ जर्मिनेशन हुआ, हाइपोजियल एंड एपीजियल। तो इसके अगर हम और टाइप्स देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हमने सीड को दो भाग में बांट रखा है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट टाइप्स ऑफ सीड्स। इसमें भी हमने इसे दो भाग में बांट रखा है, एक्स एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस सीड्स, इनको भी दो भाग में बांट रखा है। एल्ब्यूमिनस सीड्स अब ये दो और भाग में डिवाइड किए जा सकते हैं, दोनों किसमें किए जा सकते हैं कि एपीजीएल है कि हाइपोजीएल है, एपीजीएल है कि हाइपोजियल है, इसी प्रकार इसमें भी एपीजियल है या हाइपोजियल है, ईपीजियल है या हाइपोजियल है। तो एपीजियल एक्स एल्ब्यूमिनस मतलब पिछले लेक्चर में बताया था कि जिसमें एंडोस्पर्म फूड को स्टोर नहीं कर सकता है, उसे हम एक्स एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। तो एपीजीएल क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल टैमरिंड गॉर्ड सनफ्लावर वगैरह, और हाइपोजीएल है ग्राम है, यहां एक और लिख सकते हैं बीम, यहां है ग्राम है, पीनट है, ठीक है। एल्ब्यूमिनस में एपीजीएल है कैस्टर, कैस्टर जो है रिसिनस, एपीजीएल है। हाइपोजीएल में एनोना, एनोना जिसे हम शरीफा बोलते हैं, ठीक है। कैस्टर के साथ पपाया भी हो सकता है, या पॉपी भी। एक्स एल्ब्यूमिनस में हम क्या देखते हैं, एपीजीएल में एलिस्मा, इसमें क्या है, एपोनोजिटन,
यहाँ एल्ब्यूमिनस में, यानी आपको मैंने बताया था कि जितने भी सीरियल्स हैं या ज़्यादातर मोनोकॉट्स हैं वो सारे के सारे एपीजीएल होते हैं, वो सॉरी एल्ब्यूमिनस होते हैं, और उसमें जो एपीजीएल है वो है अनियन, और जो हाइपोजियल है वो सारे के सारे सीरियल्स हैं। तो ये कुछ बेसिक डिवीजन है जिसको हम जर्मनेशन में बेसिक डिवीजन सिर्फ यही है कि वो एपीजियल है, यानी उसमें जो कॉटिलीडन है इट हैज ब्रॉड अबव द ग्राउंड, एंड हाइपोजियल इन विच द कॉटिलीडन व्हेन सीड्स आर सोन बिलो द ग्राउंड द कॉटिलीडन डजंट लेफ्ट देयर प्लेस सो दैट दे रिमेन बरीड इन साइड दी अंडर द सर्फेस ऑफ सॉयल। तो जर्मेटिव प्रोसेस क्या होगा है? जो हमने देखा था कि मान लीजिए ये एक सीड है, ग्राम का सीड है, और हम ये भी जानते हैं कि ग्राम का सीड में दो बड़े बड़े कॉटलीडन होंगे, एक छोटा सा प्लूमूल होगा और एक रेडिकल होगी। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम प्लूमूल कहते हैं, जो बाद में जा करके स्टेम टिप बनाता है, ठीक है। उसके बाद ये हिस्सा होता है कॉटिलीडन का, ये हिस्सा होता है रेडिकल का, और ये कॉटिलीडन से नीचे वाला हिस्सा होता है हाइपो कोटाइल का। तो क्या होता है कि जब भी ये हाइपोकोटाइल में वृद्धि होगी, यानी इसमें वृद्धि होगी, तो ये ऊपर चले जाएंगे और अपने साथ साथ शुरू में तो जाते हैं तो एक हुक बनाते हैं, और हुक के दोनों तरफ इस प्रकार से कॉटलीडन लगा होता है। फिर जब हुक स्ट्रेटन होता है तो कॉटलीडन इस प्रकार से एक, चाहे वो गॉर्ड में देख लीजिएगा या खीरा ककड़ी में देख लीजिएगा, तो जब इस प्रकार से विलयन बनता है तो ये कॉटिलीडनरी लीफ कहलाती है। ये लीफ लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ग्रीन इन कलर हो जाते हैं, लेकिन टैमरिंड में फॉर एग्जाम्पल ये कॉटिलीडन काफी लेदरी होता है, वह मोटा होता है। तो मोटा होने की वजह से ये लीफी स्ट्रक्चर नहीं बना पाता है और सिंपली इसमें से खाना खत्म होकर फिर ये सूख साख के खत्म हो जाता है। और जब एपिकोटाइल में, जो कि यहां एकदम पार्ट है जो कॉटिलीडन से ठीक ऊपर एपिकोटाइल में वृद्धि होती है, तो जैसे इसमें है, इसमें क्या होगा कि एक रेडिकल निकल आएगी, और रेडिकल निकलने के बाद जर्मिनेशन हो जाएगा और इसमें से फिर शूट निकलती है, लीफी शूट। तो इसमें क्या है कि सारा का सारा पोर्शन वो जमीन के अंदर ही रहता है, और इसमें से रूट निकल के और शूट निकल के ऊपर चली जाती है। तो ये वो पोर्शन है जिसमें कि हाइपोजियल जर्मिनेशन हुआ है,
और जिसमें ऊपर चला गया है वो ईपीजीएल जर्मिनेशन हुआ है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है और ये दोनों ही केस ना होकर के जो आपने नाम सुना होगा मार्शी प्लांट्स का, मार्शी प्लांट्स में वीवी पैरी रिपोर्टेड है जिसमें कि फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट करने लगता है और बाद में वो इतना बड़ा हो जाता है कि अपने वेट के कारण वो नीचे गिरकर जमीन में प्लांट हो जाता है। तो ये तो सिंपल है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जो हम यहाँ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एपीजीएल जर्मिनेशन इन मोनोकॉट्स इन अनियन। तो जब अनियन है तो अनियन का जो बीज है वो इस तरीके से होता है, वो एक तरफ नुकीला होता है, इस पर कुछ मार्किंग सी होती हैं और इन मार्किंग के बीच में जब हम इसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटें तो हमें जो है इस प्रकार से एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जो एक तरफ नुकीला होता है और एक तरफ थोड़ा सा मोटा होता है, ये एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये एक अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। इसमें आप कॉटलीडन को या प्रूमोल को या इसको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जब जर्मिनेशन होगा तो ये जो पोर्शन रेडिकुलर वाला है ये बाहर निकल आता है, इसमें ग्रोथ होती है और ये बाहर निकल आता है। और यहां वाले पोर्शन में इनलार्जमेंट होता है। तो ये पोर्शन किसका आ रहा है, ये सॉरी रेडिकल प्लस कॉटलीडन का पार्ट है। जो आगे वाला टिप है वो तो रेडिकल है ही है, प्लस कॉटलीडन का पार्ट है। ये इसको इतना तेजी से बढ़ता है, मान लीजिए ये सॉयल है तो ये यहां पर शुरू में रेडिकल निकलेगी, फिर ये खत्म हो जाएगी और इससे बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट्स निकल आएंगे। लेकिन ये ऊपर बढ़ करके इस प्रकार से बीज को लिए लिए ऊपर तक चली जाती है। ये जो सीड है ये ऊपर तक पहुंच जाता है और बाद में इस एक्सिस में से प्लूमूल इसको पियर, ये जो एक्सिस है इसको पियर साउट करता है और फिर लीफ वगैरह यहां से निकलती है। तो ये जो स्पेशल केस है वो ये है कि मोनोकॉट्स में एक्स एल्ब्यूमिनस वो सॉरी एल्ब्यूमिनस सीड्स होने के बाद ज्यादातर एल्ब्यूमिनस सीड्स जो होते हैं वो हाइपोजियल जर्मिनेशन शो करते हैं, मगर यहां पर जर्मिनेशन एपीजियल है, जबकि इसके जो एंडोस्पर्म है उसमें सारा खाना रहता है तब भी ये एपीजियल जर्मिनेशन करते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरा केस लें तो जैसे डेट पाम है, डेट पाम, तो जब हम डेट पाम को देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि इस प्रकार से एक
सीड होता है, सीड एल्ब्यूमिनस टाइप का, उसमें एंडोस्पर्म में सारा स्टोर्ड फूड मटेरियल है, और एक बहुत छोटा सा हार्ड शेप करीब करीब एक इम्ब्रियोनल एक्सिस होती है किसी एक साइड में। ये एक्सिस क्या करती है कि ये एक्सिस जब हम सीड को सो करते हैं पाम के, तो ये एक्सिस इस प्रकार से बाहर निकलती है और जमीन में चली जाती है, बाहर निकलती है और जमीन में चली जाती है। अभी भी ये एक्सिस है और इसको आप कॉटलिनरी ग्रोथ बोल सकते हैं। तो जब कॉटलिनरी शीथ है, एक तरीके से शीथ है, इसी शीथ में से कहीं ना कहीं से यहां पर प्लूमूल पियर्स करके और फिर इस प्रकार से ट्यूबुलर ग्रोथ यहां होगी, और नीचे से भी कहीं पियर्स करके वो एक रूट बना लेगा। तो ये क्या है, एक शीथ है। शीथ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इट इनक्लोज दी एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस शीथ के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये लीफ है, और ये इसी शीथ को पियर्स करके बाहर निकलती है। तो ये डेट पाम में इसका हम उदाहरण देख सकते हैं, जो सिंपल और हमारे जर्मिनेशन टाइप है उससे अलग रहता है। पाम में ही जब कोकोनट का नाम आता है, कोकोनट का नाम आता है, तब हम जानते हैं कि जो कोकोनट है हमारा, इस प्रकार से है कोकोनट, थोड़ा सा नुकीला सा होता है, और इसमें एंडोस्पर्म होता है। ये जो हार्ड शेल है, ये तो एंडोकार्प है इसकी, और एंडोकार्प के नीचे बहुत ही पेपरी सा सीड कोट होता है, और बाकी जितना पोर्शन है ये एंडोस्पर्म होता है, जो हम व्हाइटिश मटेरियल देखते हैं। अब यहां पर अगर आप इसे एक फ्रंट व्यू, ऊपर टॉप व्यू देखें, तो आप इस तरीके से एक ट्रायंगुलर एरिया देखते हैं, जहां पर ये ब्लैक स्पॉट्स आपको दिखाई देते हैं। इस ब्लैक स्पॉट्स में दो हमेशा हार्ड होंगे, और एक को मान लीजिए आप नाखून से उसे या किसी चीज से छेद कर दे, तो तुरंत ही उसमें छेद हो जाता है। इस वाले के नीचे यानी तीन हिस्से हैं, इसके नीचे यहां पर एक अनडिफरेंशिएटेड एक्सिस होती है, जो कुछ इस प्रकार से होती है। यही एम्ब्रियो है, अगर हम इसे देखें तो ये इस प्रकार से, ज्यादा तो नहीं, अगर आप अब फिर से कोकोनट खरीदें और उसको ध्यान से देखें, तो आपको ये एक्सिस दिखाई दे जाएगी। ये क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है जो अनडिफरेंशिएटेड है, और इसके हम पूरा का पूरा जो बना है वो कॉटलीडन का मान सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कॉटलीडन ग्रोथ अंदर की तरफ शुरू होती है,
और सेल जो है इस कैविटी में इस प्रकार से एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो कभी कभी आपने सूखा नारियल तोड़ा होगा तो देखा होगा उसके अंदर एक कॉटनी मास दिखाई देता है, तो वो क्या है, ये ग्रोथ हो चुकी है, यानी उसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है, फिर वो सूख गया है तो उसमें हमको कॉटनी मास दिखाई दे रहा है, उसमें कोई फंगस वगैरह नहीं लगा है, वो कॉटनी मास जो है वो कॉटलीडनरी है। कॉटनी मास है किसका बना हुआ है, कॉटलीडनरी ग्रोथ। यहां अब जब ये बाहर निकलेगा तो इसमें से बाहर निकलेगा, इम्ब्रियोनल एक्सिस अब बढ़ेगी, तो जब बढ़ेगी तो इसमें से वो लीफ निकालती है और जो इसका जंक्शन होता है फिर वहां से बहुत सारी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, इस कैविटी में नहीं, बाहर की तरफ बहुत सारी एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। तो ये इस तरीके से जर्मिनेशन होता है। अब इसके बाद सीरियल्स में अगर हम देखें तो सीरियल्स में हम जानते हैं कि सीरियल्स में एक लेटरल एक्सिस होती है जिसे हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। स्क्यूटलम, इस स्क्यूटलम जो है ये एक कॉटिलीडन है जो स्क्यूटलम कहलाता है, उससे यहां पर इस प्रकार से एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर होती है ये शीथ है जिसमें ये तो प्ल्यूमूल है और ये रेडिकल है, लेकिन उसकी शीथ जो है वो क्या है, कोलियो राइजा, और ये क्या है, कोलियो टाइल, कोलियोप्टाइल। तो जब ये, अच्छा अगर इसे हम वैसे देख लें तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से ग्रेन बना लेता है, मान लीजिए वीट का या राइस का ग्रेन है, तो ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म का एरिया है, तो एंडोस्पर्म के पैरेलल ये स्क्यूटलम लगा रहता है, तो जब भी इसे सो करेंगे तो ये क्या होगी, पहले कोलियोप्टाइल निकलेगी, यानी मान लीजिए इस प्रकार से वीट है, अगर वीट है तो वीट में पहले कोलियोप्टाइल निकलेगा जिसमें कुछ और नहीं होगा, सिंपल एक एक्सिस होगी और इधर से प्राइमरी रूट होगी जो खत्म हो जाएगी, फिर इसमें एडवेंटिशियस रूट आ जाएगी। देखिए प्राइमरी रूट को समझ लीजिए कि प्राइमरी रूट इज द रूट विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल एंड द रूट्स विच डेवलप्स फ्रॉम एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट रेडिकल, यानी वो रूट जो कहीं से भी निकलती हो लेकिन रेडिकल से ना निकली हो तो वो क्या कहलाएगी, एडवेंटिशियस रूट। तो जो प्राइमरी रूट है वो हमेशा रेडिकल से निकलती है लेकिन मोनोकॉट्स में फिर वो खत्म हो जाती है और वो कहीं से भी निकल आती है तो सारी की सारी एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती है, जबकि डाइकॉट्स में क्या है, जो रेडिकल है वही मेन रूट में डेवलप होता है। तो यहां क्या है कि कोलियोप्टाइल है ये, इसी में से बाद में फिर नया प्लांट निकलता है,
नया प्लांट निकलेगा। जो क्यों निकलेगा, क्योंकि इस जो कोलियोप्टाइल है उसके अंदर ही ये वाली एम्ब्रियोनल एक्सिस बढ़ रही, जो कि प्लूमूल के रूप में है। तो ये जो कुछ टाइप थे ये मैंने आज आपको बताए। अब जर्मिनेशन के कुछ कंडीशंस हैं और जर्मिनेशन का एक मेटाबॉलिज्म है। तो जर्मिनेशन की कंडीशन क्या होगी कि जैसे इसे कितना तापमान चाहिए, यानी टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी या वाटर, ये सब उसके फिजिकल फैक्टर्स हैं जो जरूरी होते हैं। उसके अलावा सीड जर्मिनेशन में इंटरनल क्या क्या चेंज होते हैं, यानी सीड में जब पानी सोक होता है, इम्बाइबिशन होता है, उसके बाद कौन सी घटना सबसे पहले होगी, या प्रोटीन में क्या चेंज आएगा, न्यूक्लिक एसिड में क्या चेंज आएगा, या उसके बाद हम जब सीडलिंग, देखिए जर्मिनेशन कहाँ हुआ, जब जैसे ही रेडिकल निकली और प्लूमूल निकला, बल्कि रेडिकल निकली जब तक वही जर्मिनेशन खत्म हो जाता है, यानी जर्मिनेशन प्रोसेस कंप्लीटेड, खत्म मत कहिए उसे, कंप्लीटेड व्हेन एवर द रेडिकल कम्स आउट ऑफ द सीड। अब जब रेडिकल बाहर आ गई तो अब ये स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, प्लूमूल भी बाहर आएगी, तो अगर रेडिकल के साथ प्लूमूल बाहर आ गई तो ये क्या स्ट्रक्चर कहलाएगा, सीडलिंग। तो अभी हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे लेक्चर्स में, आने वाली सीरीज में, इसमें कई सारे लेक्चर होंगे कि किस प्रकार से सीड का मेटाबॉलिज्म चेंज होता है और किस प्रकार जब सीडलिंग बन एस्टैब्लिश हो जाता है तो सीडलिंग की ग्रोथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो ये भी 3-4-5 लेक्चर और होंगे सीडलिंग जर्मिनेशन के, जो बीएससी से ऊपर के लेवल के हैं, एमएससी लेवल के या नेट लेवल के, वो हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम करी अब देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। आप उसके लिए हो चाहे तो उसको पहले से पढ़ के रखिएगा। तो अब तक के लिए इतना, थैंक यू।